Hey guys, welcome back to my channel. मैं आज का हूँ तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वीडियो लेके। बेसिकली गाइज, आज के इस वीडियो में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। एंड गाइज, जो सारी बातचीत हम लोग करने वाले हैं वो कस्टम पैक के अराउंड में करने वाले हैं, क्योंकि कल के दिन हम लोगों को BGMI में देखने के लिए मिला है कस्टम पैक। एंड इसी के साथ में गाइज, आज के दिन BGMI में हमको दो बहुत ही अमेजिंग चीजें देखने के लिए मिली है, जिसमें से एक होने वाला है तुम्हारा क्लासिक क्रेट एंड सेकंड वन होने वाला है तुम्हारा डबल लकीर ट्रेजर, जिसमें तुमको ग्रोजा का एक अपग्रेडेबल वेपन देखने के लिए मिला है। इसके बारे में बात करेंगे। एंड अगर मैं सेट की बात करूँ तो बहुत सारे लोग मेरे को इंस्टा पे मैसेज करके ये चीज़ पूछ रहे थे कि भाई ज़ेनमैंग लूपी वाले प्राइस पैक का क्या सीन होगा, क्या वो BGMI में आएगा या फिर नहीं। तो सब कुछ तुम लोगों को आज के इस वीडियो में एकदम कंफर्म लीक्स के साथ में बता दूंगा। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारे मेन वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो ये चीज़ जरूर मेक्योर कर लेना कि तुमने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और बेल आइकन पर क्लिक कर दिया हो। तो सबसे पहले गाइज, अभी तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, आज के दिन हमको BGMI में देखने के लिए मिला है ये लकी ट्रेजर, डबल लकी ट्रेजर है, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग कंसेप्ट के साथ हमको देखने के लिए मिला है। इसको थोड़ी देर के लिए उठा के साइड में रख देते हैं। एंड इसी के साथ में आज के दिन हमको BGMI में देखने के लिए मिला है क्लासिक क्रेट। बेसिकली न्यू क्लासिक क्रेट है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बकवास है, ना ही यहाँ पे कोई काम के रिवर्ड है एंड ना ही कोई अपग्रेडेबल वेपन है। तो इसके बारे में जितनी कम बात करेंगे उतना ज़्यादा ही बेटर है। सो क्लासिक क्रेट को उठा के रख दो साइड में, हम अभी बात कर लेते हैं डबल लकी ट्रेजर के बारे में। तुम लोग देख सकते हो ये डबल लकी ट्रेजर है। एंड गाइस, इसी के साथ में ये जो बॉक्स है इसे ज़रूर ओपन कर लेना। जब तुम लोग इस बॉक्स पर क्लिक करके इसे ओपन करोगे तो हम लोगों को यहाँ से एक प्रीमियम क्रेट मिल जाएगा, जैसे जब पबजी हुआ करता था हम लोगों को इसी तरीके के रिवर्ड देखने के लिए मिलते थे। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। अगर गाइज हम इस डबल लकी ट्रेजर की बात करें तो यहाँ पे तुम लोगों को कोई भी चीज़ रिपीट में नहीं मिलेंगी। जो चीज़ एक बार मिल जाती है वो वापस से नहीं मिलने वाली है। तुम लोगों को यहाँ पे जो ग्रोजा का अपग्रेडेबल वेपन मिलने वाला है, अभी तुम लोग उसे स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर लुक वाइज बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन जो इसका एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बकवास है। हिट इफेक्ट तो बेसिकली सभी गन का अच्छा होता है, तो मैं बोलूँगा इसका भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसी के साथ में तुम लोगों को यहाँ पे बैकपैक, स्टन ग्रेनेड एंड कुछ और भी स्किन्स देखने के लिए मिली है, लाइक ये लेजेंडरी स्किन एंड इसका हेड गियर एंड एक और भी इसी तरीके का आउटफिट तुम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिला है। तुम लोग उसे चेकआउट कर सकते हैं। गाइज, यहाँ पे सीन क्या होने वाला है अभी तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, क्लियरली ऊपर लिखा हुआ है, जो चीज़ एक बार मिल जाएंगी वो वापस से रिपीट नहीं होने वाली, प्राइस पूल से वो चीज़ को निकाल दिया जाएगा। एंड इसके अलावा गाइज, जो यहाँ पे स्पिन होने वाला है वो कैसे होगा तुम लोग अभी उसे स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे तुम लोगों को पहले स्पिन का 10 UC एंड रिस्पेक्टिवली जैसे जैसे तुम लोग स्पिन करते जाओगे यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होता जाएगा, तुम लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर तुम में से किसी ने भी नीरज चोपड़ा वाला स्पिन किया था तो ये सेम उसी कंसेप्ट पे आया है। तो अगर यहाँ पे कोई ग्रोजा का बहुत ज़्यादा डाई हार्ट फैन है तो तुम लोग इसके लिए डेफिनेटली जा सकते हो, काफ़ी कम यूसी में तुम्हारा ग्रोजा निकल जाएगा। बाकी अगर मैं मेरा पर्सनल सजेशन बोलूँ, अगर तुम लोगों को ग्रोजा पसंद है एंड उसका कोई अपग्रेडेबल वेपन चाहिए तो 3.4 के अपडेट तक रुक जाओ। नेक्स्ट अपडेट में जो ग्रोजा का अपग्रेडेबल वेपन आने वाला है उस पर तुम्हारा पैसा कम्प्लीटली वसूल हो जाएगा भाई। तो नाउ इट्स ऑन यू, अगर तुम लोग चाहो तो इसके लिए जा सकते हो और चाहो तो 3.4 के लिए वेट कर सकते हो। इससे हटके गाइज, अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को कल के दिन BGMI में देखने के लिए मिला है एक न्यू कस्टम पैक। कस्टम पैक को अभी तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। मैंने ऐसे एक्सपेक्ट किया था कि इस बार जो कस्टम पैक आएगा उसमें हम लोगों को प्राइस में चेंज देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन BGMI ने यहाँ पे कोई प्राइस में चेंज नहीं किया। जैसे पिछली बार आया था एज इट इज़ उसे अभी उठा के वापस से डाल दिया है। तो जो कस्टम पैक है अभी तुम लोग उसे स्क्रीन पे देख सकते हो। तुम लोगों को यहाँ पे 5 कस्टम पैक देखने के लिए मिले हैं, जिसमें से पहला होगा 10 रुपये का, दूसरा होगा 20 रुपये का, तीसरा 75, चौथा होने वाला है 150 रुपये का एंड फाइनल जो तुम्हारा कस्टम पैक है वो होने वाला है 230 रुपये। इसमें जो तुमको यूसी मिलने वाला है अभी तुम लोग वो भी स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड बाकी चीज़ें तो तुमको ऑलरेडी पता ही होंगी। गाइस, आज का वीडियो मैंने तुमको पहले ही बोला था ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये जितने भी कस्टम पैक हैं हर कस्टम पैक पे कोई ना कोई प्ले स्टोर का ऑफर लगेगा। एंड मेरे फ़ोन में 5 Gmail है, 5 से 6 Gmail है एंड हर Gmail में मेरे 2 से 3 ऑफर मेरे को देखने के लिए मिले हैं। तो मेरे पास में यहाँ पे जितने भी ऑफर हैं मैं सारे के सारे तुम लोगों को बता दूंगा कि कौन सा ऑफर किस कस्टम पैक पे अप्लाई हो सकता है। एंड अगर तुम में से किसी के भी पास में ये ऑफर है तो तुम लोग इस तरीके से उसे कस्टम पैक पे अप्लाई वगैरह कर सकते हो। सबसे पहला ऑफर जो मेरे प्ले स्टोर में अभी तुम लोग उसे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है 120 रुपये ऑफ। अगर गाइज हम लोग इस प्ले स्टोर के ऑफर की बात करें तो ये प्ले स्टोर का ऑफर किसी भी पैक पे अप्लाई नहीं होने वाला है। गाइज मैं तुमको क्लियरली बोल देता हूँ ये किसी भी पैक पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग अभी खुद स्क्रीन पे देख सकते हो, अगर तुम लोग 580 से ऊपर का कोई परचेस करोगे तभी ये प्ले स्टोर का ऑफर अप्लाई होगा कस्टम पैक पे। तो यहाँ पे ऐसा कोई पैक है नहीं, तो इससे कम्प्लीटली अगर किसी के पास ये ऑफर है तो तुम लोग निगलेक्ट कर सकते हो। सेकेंड ऑफर जो मेरे प्ले स्टोर में अभी तुम लोग उसे भी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है 20 रुपये ऑफ। अगर हम इस प्ले स्टोर के ऑफर की बात करें तो ये प्ले स्टोर का ऑफर स्टार्ट के जो 2 कस्टम पैक हमको देखने के लिए मिले हैं वो दोनों पे ही अप्लाई नहीं होंगे। इसके पीछे का रीजन ये है गाइस, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर तुम लोग 20 रुपये से ऊपर का कोई परचेस करते हो तभी ये ऑफर तुम्हारा अप्लाई होगा, 5 रुपये वाले पे भी अप्लाई नहीं होगा एंड जो तुम्हारा उससे नीचे वाला है 15 रुपये वाला उस पर भी ये ऑफर अप्लाई नहीं होगा।
लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो ये दोनों ही कस्टम पैक को छोड़ के जितने कस्टम पैक है सभी पे तुम लोग ये ऑफर को अप्लाई कर सकते हो, तुम्हारा यहाँ पे 20 रुपए ऑफ हो जाएंगे। अब गाइज मेरे पास में एक और भी प्ले स्टोर का ऐसा अकाउंट है जिसमें मेरे को 2 ऑफर देखने के लिए मिले हैं, जिसमें से सबसे पहला है 80 रुपए ऑफ एंड सेकंड वन होने वाला है 60 रुपए ऑफ। पहले हम बात कर लेते हैं 60 रुपए ऑफ के बारे में। तुम लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हो ये है 60 रुपए ऑफ। अगर मैं 60 रुपए से ऊपर का कोई भी परचेस करता हूँ तो ये वाला ऑफर उस कस्टम पैक पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 60 रुपए से ऊपर का जो कस्टम पैक है तुम लोग देख सकते हो वो है 75 रुपीज वाला। अगर तुम लोग ये कस्टम पैक परचेस करने के लिए जाते हो तो ये कस्टम पैक तुमको 60 रुपए ऑफ के साथ में पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए में। एंड इससे ऊपर की जितने भी पैक है, मतलब जो तुम्हारा 150 वाला पैक है, 75 रुपए वाला पैक है एंड 230 वाला पैक है, सभी पे ये 60 रुपए ऑफ अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा जो सेम प्ले स्टोर में मेरे एक और भी ऑफर है तुम लोग अभी उससे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है 80 रुपए ऑफ। अगर तुम लोग ये प्ले स्टोर के ऑफर को यूज करने के लिए जाते हो तो ये जो 150 रुपए वाला कस्टम पैक है ये तुम लोगों को पड़ेगा 70 रुपए में। अगर तुम में से किसी के भी पास में ये ऑफर है तो तुम लोग इस ऑफर का बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि ये प्ले स्टोर का ऑफर काफी ज्यादा बढ़िया है गाइस। तो अगर तुम में से कोई भी ऐसा बंदा है जिसके पास में ये ऑफर है 80 रुपए ऑफ वाला, तो तुम लोग इस तरीके से इस ऑफर का बेनिफिट ले सकते हो। 150 रुपए वाले कस्टम पैक पे तो ये ऑफर अप्लाई होगा, इसी के साथ में उससे ऊपर के जितने कस्टम पैक है सभी पे ये अप्लाई हो जाएंगे, तुमको यहाँ पे 80 रुपए का ऑफ मिल जाएगा। तो उसके बाद में गाइज मेरे पास में एक और भी प्ले स्टोर का अकाउंट है जिसमें अभी तुम लोग देख सकते हो 2 ऑफर है 120 रुपए ऑफ वाला, जिसके बारे में मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ ये किसी भी कस्टम पैक पे अप्लाई नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक और भी ऑफर है 5 रुपए ऑफ वाला। अगर तुम लोग इस ऑफर को देखोगे तो तुम लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हो मैं 40 रुपए से ऊपर का जो भी परचेस करूंगा उसके ऊपर 5 रुपए ऑफ मेरे को होके मिलेगा। तो ये जो प्ले स्टोर का ऑफर है गाइस, तुम लोग इसे 75 रुपीज वाले जो तुम्हारा प्लान है उससे ऊपर की किसी भी कस्टम पैक पे अप्लाई कर सकते हो। तो अगर तुम में से किसी के पास ये प्लान है तुम लोग इसके लिए जा सकते हो अगर चाहो तो। एंड गाइस जो मेरे फोन में फाइनल ईमेल है अभी तुम लोग उसे भी स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे मेरे को 3 ऑफर देखने के लिए मिले हैं जिसमें से 2 तो कस्टम पैक पे अप्लाई नहीं होंगे, लेकिन एक ऑफर है वही 5 रुपए ऑफ वाला जिसके बारे में मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अगर तुम में से किसी को भी इस तरीके के ऑफर देखने के लिए मिले हैं तो जो डिस्क्रिप्शन के साथ में मैंने तुमको एक्सप्लेन किया इसी तरीके से तुम लोग ये सारे ही कस्टम पैक पे इन ऑफर्स को अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर मैं इससे हट के बात करूँ तो तुम लोगों को यहाँ पे कुछ और भी ऑफर प्ले स्टोर में देखने के लिए मिले हैं जो मेरे प्ले स्टोर में अभी मेरे को नहीं मिले हैं। सबसे पहला ऑफर है तुम्हारा 95% ऑफ वाला। अगर तुम में से किसी को भी ये ऑफर मिला है तो ये जो तुम्हारा 150 रुपए वाला कस्टम पैक है तुम लोग इस कस्टम पैक पे 95% ऑफ वाले ऑफर को अप्लाई करके 150 वाला कस्टम पैक ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ 7.5 रुपए में। इसी के साथ में गाइज एक और भी प्ले स्टोर में ऑफर चल रहा है जो है तुम्हारा 50% ऑफ। अगर तुम में से किसी को भी ये प्ले स्टोर का ऑफर देखने के लिए मिला है तो ये भी कस्टम पैक पे अप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे शायद बेनिफिट जो है तो 80 रुपए से ऊपर का ऑफ तुमको नहीं मिलने वाला। अगर हम लोग इसे भी हटा के साइड में रख दे तो एक और भी ऑफर है जो है तुम्हारा 300 रुपए ऑफ, जो तुम में से बहुत सारे बंदों को देखने के लिए मिला होगा प्ले स्टोर में। तो ये वाला ऑफर भी कस्टम पैक पे अप्लाई नहीं होगा, तुम लोग नॉर्मल यूसी वगैरह इससे परचेस कर सकते। तो गाइज यही कहानी है पूरी कस्टम पैक की एंड प्ले स्टोर के ऑफर्स की। तुम में से जिसको भी जो ऑफर मिला है तुम लोग इस तरीके से उसे अप्लाई कर सकते हो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। बाकी गाइस ये जो मेरा एक्सप्लेनेशन है इसके अकॉर्डिंग तुमको कोई भी डाउट हो तुम लोगों ने मुझे कमेंट में जरूर बताना। नाउ मैं तुम लोगों को बता देता हूँ जो तुम्हारा प्राइस पैक है जिसमें तुम लोगों को एक कंपेनियन मिलने वाला था जो था तुम्हारा ज़ेनमैंग लूपी वाला प्राइस पैक। तो बहुत सारे लोगों के मेरे को मैसेज देखने के लिए मिले हैं क्या ये प्राइस पैक BGMI में आने वाला है या फिर नहीं। तो गाइज मैं तुमको अगर कंफर्म बता दूं तो ये जो प्राइस पैक है ये BGMI में कैंसिल हो चुका है 101%। मतलब ये प्राइस पैक BGMI में 100% नहीं आने वाला है। कुछ लोगों ने ये भी पूछा था BGMI या फिर क्राफ्टन इंडिया की टीम से कि ये प्राइस पैक BGMI में क्यों नहीं आएगा, तो उन लोगों ने यहाँ पे एकदम सिंपल आंसर देके ये चीज़ क्लियर कर दी कि आज से काफ़ी टाइम पहले BGMI ने ऑलरेडी कोलैब किया था ज़ेनमैंग लूपी के साथ, तो इसलिए हम लोगों को अब इस बार ज़ेनमैंग लूपी वाला प्राइस पैक BGMI में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग यही न्यूज़ है जो तुम लोगों को आज के इस वीडियो में बताना था। अब जो चीज़ें मैंने तुमको बताई उससे रिलेटेड तुमको कोई डाउट हो तुम लोगों ने मुझे कमेंट में बता देना, क्योंकि अब यही था जो तुम लोगों को आज के इस वीडियो में बताना था। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर तुम लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो एंड मेरा काम का लगा हो तो तुम लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।